141 विधानसभा क्षेत्र से अपक्ष उम्मीदवार भरत राजवानी ने आज पत्रकारों से बातचीत में अपने चुनाव लड़ने की वजह और विकास कार्यों में आई चुनौतियों पर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अपने वार्ड में 25 करोड़ रुपए की निधि से विकास कार्य किए, जिनमें कई बाधाएं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने अदालत और मनपा आयुक्त तक पहुंचकर इन कामों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सड़कों और जल आपूर्ति जैसे बुनियादी कार्यों को पूरा किया। भरत राजवानी ने कहा कि वह जनता की समस्याओं के समाधान के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं और विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, जो कि पिछले 40 सालों से रुका हुआ है। उन्होंने नागरिकों से समर्थन की अपील की। भरत राजवानी जी, हम लोग शहर में घूम रहे हैं, शहर के लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि भरत राजवानी उल्लासनगर से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने से दो समुदाय या समाज की प्रति जो वोट आने वाली है वो खराब होंगे। आपका क्या कहना है इस विषय पर? देखिए, मैं खुद उल्लासनगर का नागरिक हूँ। यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है और आज जो मैं 3 बार का नगर सेवक रह चुका हूँ, मेरे परिवार से भी लोग रहे हैं, तो वो हमारी एड्रेस तो उल्लासनगर की है। और रही बात कि ये जो उल्लासनगर की पार्ट को अलग किया गया है, वो जो रेखा निकली है वो एक प्रशासन का सिस्टम है, जो बाउंड्री को बनाया गया है विधानसभा 141। पर जब मैं उल्लासनगर 141 में घूमता था, जब मैं खुद सभागृह नेता रहा हूँ महानगर पालिका, तब मैं एक काफ़ी पदाधिकारी और कुछ नागरिक समस्या लेके आते थे और उसमें सबसे ज़्यादा समस्या हमारे 1, 2, 3 की होती थी। तो मैं जब घूमता था वहाँ पे देखता था और मैंने कई सारे पदाधिकारी और वहाँ के नागरिकों के काम किए, तो मैं घूमते घूमते वहाँ जब उनके काम किए तो लोगों ने बोला कि आप आगे जब विधानसभा होता है तो ज़रूर आप यहाँ पे आके यहाँ का प्रतिनिधि करो, क्योंकि आपके जो कार्य है ऐसे कार्य आज तक हमारे यहाँ के नेता करते ही नहीं हैं और हमारे को हमेशा आश्रय पे रखा जाता है। और मैंने देखे कि कुछ कार्य तो महापौर के वार्ड में हमने करके दिए, जो उनके घर के सामने से काम थे, लोगों के छोटे छोटे काम उन्होंने किए नहीं थे। लोग इतने निराश हो चुके हैं ना 1, 2, 3 के इन दोनों परिवारों से कि कोई एक काम करता नहीं है, खाली सुनते हैं, हाँ मिलती है पर काम होता नहीं है। तो इतने सारे काम वहाँ पे आज पेंडिंग होने के कारण, और मेरे को लोगों ने काफ़ी अच्छा, मुझे तो एक डॉक्टर मिले थे, उन्होंने भी मुझे बोला कि आप जैसे लोग ही हमारे यहाँ ये साइड आके काम करिए, नहीं तो हमारा शहर बर्बाद हो जाएगा। तो बस मैं लोगों के रिक्वेस्ट पे वहाँ पे आया हूँ और वहाँ पे रुका हूँ। और ये उल्लासनगर मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। लोग ये न समझें कि मैं उल्लासनगर के 2 टुकड़े हैं, अगर इस तरह सोचेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा शहर का। भरत जी, ऐसा भी बताया गया है कि जब आप 25 करोड़ की निधि अपने पैनल में लाए थे तो काफी आपको संघर्ष करना पड़ा है, काफी कुछ राजनीतिक दलों ने आपकी निधि कैंसिल कराने के लिए भी काम किए थे, फिर किस प्रकार से आपने संघर्ष करके वो सारे काम पूरे किए, कितनी चुनौतियां, कितनी तकलीफें आपको आई? सबसे पहले तो मैं जो हमारे उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार, हमारे पार्टी के नेता, उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें इस शहर के लिए 25 करोड़ की निधि दी। पर जब वो निधि को इन्होंने रोकने का प्रयास, सबसे पहला स्वर्गीय ज्योतिबा भाई कालानी, उन्होंने जाके रोकने का काम किया कि भाई आपने उनको निधि दी है, हम आगे शहर में किस तरह जाएंगे लोगों के बीच में और क्या बोलेंगे कि हम आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया है, तो कृपया करके ये निधि रोकी जाए। और वो रोकने के लिए उन्होंने पूरी जोर ताकत लगा दी कि भाई ये निधि आज की आज रोकी जाए और कैंसिल की जाए, क्योंकि नहीं तो हम शहर में कहीं पे भी अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएंगे।
जिसके कारण आप इनकी नियुक्ति रोकी जाए, पर हमारे जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और वो वहाँ से निराश होकर वापस आए। उसके बाद महानगर पालिका के अंदर किसी ठेकेदार को कहा गया कि भाई ये आया हुआ अमाउंट ये शहर में वापस जाना चाहिए, जो भी उसका नुकसान होगा कालानी परिवार भर के देगा। फिर भी हमने वो सब उनके जो हथकंडे थे वो सब खत्म किए। उनके पीछे एक ही उनका उद्देश्य था कि अगर ये विकास कर गया तो इसका शहर में नाम होगा, नहीं तो उन्होंने पिक्चर बनाई थी कि ये पैसा गवर्नमेंट को वापस जाए तो हम दिखाएंगे कि देखो ये किस तरह का नेता है जिसको पैसा घर तलक पहुंचा भी पर विकास नहीं कर पाया। इसके कारण उन लोगों ने पूरी ताकत लगाई मगर हमने उनकी वो ताकत भी फेल कर दी। अच्छा, ये सब हुआ टेंडर तलक बाद। उसके बाद जब जमीन पे विकास करने पे उतरे तब इन्होंने जो लोग नहीं चाहते थे कि भाई ये विकास हो उन्होंने अपने आदमी खड़े किए, वहाँ पे कोर्ट तक गए, कमिश्नर को पेशा डाला कि ये काम रोको इनका। उस कारण आज मेरे वार्ड के लोगों ने भुगता है बहुत इनके कामों, इनके कोर्ट में जाना, कमिश्नर को प्रेशर करना, जिसके कारण कुछ विकास कार्य डिले भी हुए, जिसके कारण आज वो रोड की हालत ऐसी थी कि वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था, मिट्टी हो रही थी, लोगों की धूल घरों में जा रही थी। तो इन लोगों ने खाली नेगेटिविटी वाले काम किए हैं, विकास इनसे खुद से होता नहीं है और जो करता है तो उसको भी ये रोकने को आते। आपके ही कुछ चैनलों में आपने देखे होंगे खुद ये लोग मैदान पे उतर के विरोध करने आए हमारे कामों को। तो हमने ये सब फेस किए और उसके बाद भी हमने आज विकास किया है। आज लोग खुश है, उनके प्रॉपर्टियों की वैल्यू बढ़ी है, इसके अलावा जो बिजनेस में ग्रोथ है वो भी उनकी अच्छी खासी हुई है। आज हमारे यहाँ के लोग खुश हैं। हाँ, उसमें उल्लासनगर शहर एक व्यापारी शहर है और जैसे आपने आपके कैंप 5 के रस्तों का डेवलपमेंट किया है तो आपने कुछ विजन रखा है कि जो व्यापारी क्षेत्र है उल्लासनगर का, जो जहाँ से व्यापारी बड़ा व्यापार होता है वहाँ के रस्ते बहुत छोटे है, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, तो उसके बारे में आपका क्या सोच है? आज मैं जब वहाँ पे घूमता हूँ काफी सारे व्यापारियों ने बताया मुझे कि भाई यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत है, बहुत से दूसरे प्रॉब्लम है। आज जिस दूसरा इसके अलावा इनके बिजनेस भी कम हुए हैं। मुझे, मैं राहुल शूज़ गली में गया था, सारी मार्केट है, उन्होंने बताया कि हमारा बिजनेस लगभग ख़त्म हो गया है। उसके कारण है कि हमारे उल्लासनगर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा फेल हो चुका है। उनका बिजनेस कोंडगांव शिफ्ट हो चुका है काफ़ी सारा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमारा पार्किंग स्थल होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए स्ट्रांग निर्णय भी लेने पड़ते हैं और वो इन दोनों नेताओं में है नहीं कि वो स्ट्रांग डिसीजन ले सके। या लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके काम करना सबसे इम्पोर्टेंट, कि वो लोगों को विश्वास में लेवे और वो काम कर सकें। बस उनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है, व्यापारियों के बारे में सोचना नहीं है। आज इंडस्ट्रियल एरिया, रोड खड्डे, गाड़ियाँ ख़राब, तो हमारा काफ़ी विजन क्लियर है कि हम आने वाले टाइम में सब व्यापारियों को विश्वास में लेके यहाँ पे एक अच्छा, जो हमारा उल्लासनगर का नाम है कि ये उल्लासनगर व्यापारियों का शहर है, उसको बनाएंगे। भरत जी, इन चुनाव में आप उतरे हो, आपके क्या मुद्दे रहेंगे और आपका क्या विजन है, क्या बताएंगे सर को? देखिए, मेरा क्लियर विजन है कि उल्लासनगर से गुनहगारी और भ्रष्टाचार मुक्त करना है। और जो लोग खुद बोलते हैं कि हमारे दो भाई मरे, एक बोलता है मेरा बाप जेल काट के आया और दादाजी को मारा गया है, एक्चुअल जो शहर की हालत है वो इनकी ही देन है। इसके अलावा मैं शहरवासियों को बोलूँगा, आह्वान करूँगा कि जो आज चुनाव हो रहे हैं उसकी जो परीक्षा है वो नेताओं की नहीं, आप लोगों की है। अभी आपका सही टाइम है कि आपको कौन सा नेता चुनना चाहिए, जो विकास करे,
या विनाश करे अब आपके हाथ में है। धन्यवाद।